हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 35 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ इस प्रॉब्लम में, आप फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर 8E3। तो दिया हुआ है कि एक चिल्ड्रन पार्क में एक स्लाइड है, ठीक है, तो वो लैडर के साथ कनेक्टेड है और दूसरी साइड आपका स्लोप है। स्लोप की लेंथ दी हुई है 10 मीटर और हाइट ऑफ द लैडर जो है वो 8 मीटर है, ठीक है, और बॉय जो है उसकी वेट दी हुई है 200 न्यूटन। बॉय की वेट 200 न्यूटन है, तो वो लैडर से क्लाइंब करता है और नीचे आता है स्लाइड से, ठीक है, ग्राउंड तक आ जाता है। और एवरेज फ्रिक्शन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय ये दी हुई है कि बॉय का जो वेट है उसका 3/10 है, ठीक है, एवरेज फ्रिक्शन फोर्स ही दे दी हुई है। तो हमें फाइंड करने हैं, देखिए कितना वर्क डन होगा बाय द बॉय ऑन द लैडर जब वो ऊपर जा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है वर्क डन बाय द स्लाइड, जब बॉय आपका नीचे आता है स्लाइड के थ्रू, तो स्लाइड कितना वर्क डन करेगा बॉय के ऊपर, ये हमें फाइंड करनी है। और पार्ट थ्री में देखिए क्या है, वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, जब बॉय ऊपर जा रहा है लैडर के थ्रू, तो कितना वर्क डन लैडर कर रहा है बॉय के ऊपर, ठीक है। नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय द फोर्सेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ स्लोप दी हुई है, आपका हाइट दिया हुआ है, ये सपोज एच के बराबर है, 8 मीटर इक्वल टू एच, और ये हमारी लेंथ हो गई एल इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर, देखिए जब बॉय आपका ऊपर जा रहा है तो लैडर की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर, तो बॉय जो भी फोर्स आपका ऊपर अप्लाई करेगा, तो फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 है, इक्वल टू 0, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर, ठीक है, लैडर की डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी वो 0 के बराबर है, इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट ए का आंसर हो जाएगा हमारा 0। पार्ट बी डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपका, हमें फाइंड करनी है वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, जब वो नीचे आ रहा है तो उस केस में कितना वर्क डन हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में कितना वर्क हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्लाइड तो आपको फ्रिक्शन फोर्स ही अप्लाई करेगा। तो वर्क डन बाय स्लाइड ऑन बॉय, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स आपका एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एफ डॉट एल। अब देखिए एफ इंटू एल जब करेंगे हम, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और बॉय हमारा आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिए नीचे आएगा, जबकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट साइड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू, बट यहां म्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 3/10 दी हुई है, ठीक है, 3/10 ऑफ हिज वेट, तो -3/10 इंटू वेट ऑफ द बॉय इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -3/10 इंटू वेट हमारा दिया हुआ 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो
ये आपके 10 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका -600। चलिए इक्वल टू -600 जूल, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर जूल हो गया। अब पार्ट सी में देखिए आपका क्या फाइंड करना है। द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, मीन्स लैडर बॉय के ऊपर कितना वर्क करेगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमने क्या फाइंड किया, वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर, और पार्ट सी में वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, बट बॉय का तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस केस में वर्क डन होगा हमारा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय लैडर ऑन बॉय इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है, ई एफ माइनस ई आई। अब देखिए फाइनल एनर्जी, क्योंकि बॉय का मूवमेंट तो मतलब आपका वेलोसिटी कुछ होगा नहीं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा देखिए, अगर हम ग्राउंड लेवल को रेफरेंस लेवल मानते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो जाएगा, तो एम इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो रेफरेंस लेवल हो गया जीरो, तो एम डी एच मीन्स डब्ल्यू इंटू एच हो गई, और डब्ल्यू हमारा कितना दिया हुआ है देखिए 200 न्यूटन इंटू 8 मीटर, हाइट हमारा 8 मीटर है, तो ये हो जाएंगे आपके 1600 जूल, यही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।